HyperOS 2.0 का सिस्टम लॉन्चर में बीटा 3 का अपडेट आया। अगर आपको आपका Redmi और Xiaomi डिवाइस में ये अपडेट करना है तो वीडियो स्किप मत करो। और मैं ये अपडेट को यूज़ करने वाला हूँ Redmi Note 11 Pro Plus 5G में। Android 13 के साथ 14 का अपडेट नहीं है, तो आपका डिवाइस में अगर Android 14 है तो आपको और बेटर जो फीचर्स और एनिमेशन देखने को मिलने वाला है। Android 13 में भी ठीक ठाक चल जा रहा है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। और देखो, अपडेट करने के बाद आपको ऑब्वियसली आपका जो है एनिमेशन में थोड़ा सा और स्मूथनेस देखने को मिलेगा, या स्मूथ एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आपका फोल्डर ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन हुआ, आपका ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन हुआ, सभी जगह में आपको डेफिनेटली स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलने वाला है। अब आते हैं बाकी और ऑप्शंस में। अब इसमें क्या नया फीचर ऐड हुआ है, तो देखो एक नया फीचर ऐड हुआ है और एक बग फिक्स हुआ है जो कि फोल्डर में जो मतलब वर्ड में एरर्स आ रहा था वो फिक्स किया गया है। और बाकी अगर आप चाहिए जैसे कि आपका डू नॉट शो टेक्स्ट, ये आपका नया एक फीचर ऐड हुआ है। अब देखो डू नॉट शो टेक्स्ट आपका जो है क्लासिक मोड में काम करता था, बट विद ऐप ड्रॉअर वो फीचर काम नहीं करता था। अब आपका नया अपडेट के बाद ये विद ऐप ड्रॉअर भी काम करेगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको डू नॉट शो टेक्स्ट ऑफ नहीं, एनीवेयर या ऑन विजेट्स आप कर सकते हैं और फिर आपको वो देखने को मिल जाएगा। तो चलो स्विच करते हैं ऐप फॉल्ट में। तो देखो अभी आपको टेक्स्ट शो हो रहा है, बट अगर आप अभी ऑफ कर दीजिएगा मतलब उसको एनीवेयर कर दीजिएगा तो आपको गायब हो जाएगा और फिर आपको काफ़ी क्लीन लुक देखने को मिलने वाला। तो अगर आपको बिना टेक्स्ट के साथ चाहिए था आपका जो है ऐप ड्रॉअर, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अभी फाइनली ऐड हो चुका है, पहले आपका बस क्लासिक मोड में काम करता था, अभी आपका विद ऐप ड्रॉअर भी ये डू नॉट शो टेक्स्ट काम कर रहा और आप ऑन विजिट या एनीवेयर आप अनेबल कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो ऑब्वियसली आप ऑफ कर सकते हैं। तो ये नया अपडेट के बाद ये चेंजेस हुआ है। और देखो ये जो था जैसे कि आपका स्टैंडर्ड और डेंस, ये तो आपको फर्स्ट अपडेट में ही मिल गया था। सेकंड में आपका जो स्पेस वो फिक्स हुआ है और थर्ड में आपको एक नया फीचर ही मिला है जो कि काफ़ी अच्छा बात है। नेविगेशन जेस्चर्स भी इम्प्रूव किया गया, साथ साथ आपको अरेंज आइटम इन रीसेंट का जो यूआई वो चेंज हुआ है और आपका साथ साथ जो है सिस्टम नेविगेशन का भी चेंज कर दिया गया। तो फर्स्ट अपडेट में हो गया, बट थर्ड अपडेट में आपको बस आपका जो नया अपडेट देखने को मिला है वो है आपका ऐप ड्रॉअर में बिना टेक्स्ट के साथ अब फीचर ऐड हो चुका है जो कि पहले नहीं था, अभी आपका नया आया है। और डेफिनेटली आपको अगर आपका डिवाइस में एंड्रॉयड 14 है और थोड़ा सा महंगा डिवाइस है, 30 या 25 से ऊपर का डिवाइस है, तो आपको बहुत अच्छा एनिमेशन फीचर तो देखने को मिल ही रहा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब देखो और इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको आपका डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आप अनइंस्टॉल अपडेट करके वो फिक्स कर सकते हैं। तो देख लो, जैसे कि आपको उसके लिए तो पता ही क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, ऐप्स में जाना है, मैनेज ऐप्स में जाना है और सर्च करना है सिस्टम लॉन्चर। अगर कोई दिक्कत हो रहा है जैसे कि लैग कर रहा है या कुछ, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करना चाहिए। रेडमी और शाओमी डिवाइस आपका अगर आपका डिवाइस में HyperOS एंड्रॉइड 13 या 14 है काम कर जाएगा, पोको डिवाइस के लिए नहीं है, वो इंस्टॉल ही नहीं होगा ऐसे। तो देख लो वर्जन आपका 2 जो कि लास्ट का आपका डिजिट देखो 2119 है और लास्ट का डिजिट ही चेंज होता है बेसिकली। अगर आपका दिक्कत हो रहा तो अनइंस्टॉल अपडेट कर लो और नहीं हो रहा तो मत करो, यूज़ करो, क्योंकि आपको साथ साथ नया फीचर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट और नया कुछ चेंजेस देखने को मिला तो आप ट्राई कर सकते हैं। और ऐप वॉल्ट में भी नया अपडेट आया, तो सिस्टम ऐप्स का अपडेट का जो वेट करो, कल आपको देखने को मिलेगा, तो उसका वीडियो का वेट करो। 3 नए ऐप्स में नया अपडेट आया, चेंजेस भी हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो और ऑब्वियसली लॉन्चर पसंद आया तो जाओ पहले वीडियो को लाइक करो, लाइक ही 111 रख के कंप्लीट करो, वीडियो को शेयर करो, कुछ पूछना नीचे कमेंट करो, सजेस्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।